उसको ऑफिस भेजने के बाद मैंने ये किचन साफ किया। फिलहाल के लिए किचन का काम स्टॉप है, ख़त्म हो गया मेरा। देखते हैं, पूरा किचन साफ कर दिया मैंने। जो मेरा पौधा है ना उसका पानी चेंज करना है, वरना बेचारा ख़राब हो जाएगा। ये कुछ दिन में मैं बिजी थी, वीडियो भी बना नहीं सकी। देखिए कैसे फ्रूट आया इसको, इसको मैं मिट्टी में भी लगा सकती हूँ, ऐसे पानी में भी लगा सकती। मिट्टी में है मेरा, एक में रूट आया ही नहीं, ये मोरे जा रही है। ठीक है, इसको फेंक देती हूँ, देखते हैं आते है कि नहीं। थोड़े दिन मुरझा गया है सर, पौधों का यही है, अगर सही टाइम से देखभाल ना करो तो बेचारा लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा वो बिखरा हुआ कपबोर्ड, देखते हैं आज ठीक कर सकती हूँ या नहीं। देखिए मेरा बिखरा हुआ कपबोर्ड, बुरा मत मानिए, मैं कुछ दिन बहुत बिजी था, आज करते चलो कर ही लेती। नीचे वाला पोर्शन उस दिन मैं साफ किया था, साफ ही ऊपर वाले को करेंगे आज। इस पेंडेमिक में बाहर जाना तो ज़रूरी नहीं है, फिर हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा काम है, एक घंटे के अंदर वापस घर में जाना ही पड़ेगा। मैं ये पहनूंगी, पता नहीं ये सलवार सूट मुझे इतना आराम मिलता है ये पहनने के बाद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में मैं यही पहन के निकलती हूँ। बीजी बीजी कपड़ा है, पहनते पहनते वो इतना आरामदायक हो गया, जितना पहनो कम लगता है। तो ठीक है, बाहर से आने के बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ये मस्ट हो गया आजकल, ये सेफ्टी के लिए, हमारी जान की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और ये सैनिटाइजर में हमेशा रखती हूँ, आजकल ये लाइफ का एक पार्ट हो गया। ठीक है, आप लोग भी जब भी निकलो बैग में ये छोटा सा ये सैनिटाइजर रख देना, और ये तो ज़रूरी है, ये तो लगाएंगे ज़रूर, सब लगा सब जानते हैं। हम अगर सतर्क ना होंगे तो ये बीमारी हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा। बाज़ार से आने के बाद हम जूस निकल रहे हैं मौसम्बी के, पहले आप गलत मत समझिए, मैं सैनिटाइज करके फिर हैंड वॉश करके जूस खाने जूस बनाने लग गई थी। देखिए हम इसकी मदद से जूस बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए सारी जूस निकल गई, एकदम पूरा हेल्दी जूस, प्योर जूस। मिक्सी में डालो तो मिक्सी भी ख़राब होता है हीट की वजह से, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो कम हो ही जाता है। ये देखिए हमारा जूस, बाहर इतना तेज़ बारिश, सॉरी इतना तो धूप, गर्मी के मारे दौड़ दौड़ के घर आया। इसमें थोड़ा ये डालूंगी ब्लैक काली नमक, बस एक दो जो शीट रहते हैं ना हम इसे स्पून की मदद से इसे हटा कर पी लेते। मेरे हिसाब से यही आसान तरीका है जूस निकालने के लिए। आप लोग कौन कौन ऐसे हाथ से निकालते हैं, किसके पास ये छोटा सा चीज़ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव ये देख के मुझे
बोला था ये खरीद के देने के लिए, मगर बाजार में मुझे दोबारा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ कब मिलेगा। जब भी मेरा मिलेगा जो जिस जिसने नहीं बोला मैं उन लोगों को दूंगी खरीद के, क्योंकि बच्चे जो स्कूल से आते तो एक बार कम टाइम ख़राब करके बिना झंझट से इससे न्यूज़ बन जाता है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लो कैमरे में आ जाओगे, इधर से आओ, उधर से आओ। आना चाहते हो आ सकते हो। हेलो, ठीक है। हेलो, थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू। ये सब मैं फेंकूंगी नहीं, मेरी रूफ गार्डन है थोड़ा छोटा सा, एक दिन लेके जाऊंगी आप लोगों को, यहाँ जाके मिट्टी के अंदर डाल दूंगी, काट के छोटा छोटा करके काट के। मैं कैसे रखती हूँ वेजिटेबल फ्रूट सब का कचरा इकट्ठा करके मैं उधर दे देती हूँ। आई होप आप लोगों का ये छोटी सी मेरा कोशिश ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो करना, और मेरा ये छोटी सी कोशिश में आप लोगों की शरीक चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए कोऑपरेट करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पौधे पेड़ में मेरे गार्डन में लगाऊंगी, गार्डन तो इतना फूल नहीं है, फिर ये किसी ने दिया मुझे लेकर लगाएंगे, और फिलहाल तो इधर रख देती हूँ, कपड़ा चेंज करके मैं लगाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये भी ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरे अगली ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।